अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगा। ये दो तकरीबन 5 मिनट की वीडियो होगी, इसमें कोशिश करूंगा कि सब कंप्लीट आपको पता चल जाए। और टॉपिक शुरू होने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम जो है ना सैंपल डालेंगे, दो तीन या चार, वो तीन मैंने डाले हुए इसको। ये प्रोडक्ट है, एक मैनुअल वाटर पंप है। तो हम इसको ट्रैक करेंगे, जैसे ही हम इसका रिव्यू काउंट करेंगे, 341 इसके रेटिंग है और रिव्यू भी यही होते हैं। तो हम इसके सोर्स पेज पे इसके प्रोडक्ट के एसक्यू को ट्रैक करने के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने इसके मेन कीवर्ड को कॉपी कर लेना है और इसके दराज की सर्च बार में डालना है, जिससे आपको इसके रिलेटेड प्रोडक्ट नज़र आएंगी। अगर कीवर्ड सही है, अच्छा डाला हुआ है सही तरीके से, और कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वीडियो आपका प्रोडक्ट जो है ना नज़र आता है, तो ये देखें सब उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। तो कीवर्ड मैटर करता है आपके प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, और आपके प्रोडक्ट को सर्च बार में लाने के लिए गूगल हो गया, दराज, अमेज़ोन, जितनी भी ई कॉमर्स साइट हैं वो कीवर्ड के अगेंस्ट ही सर्च बार में आती हैं, और उसी के इस कीवर्ड की मैटर करता है कि आप प्रोडक्ट को रैंक करें। क्लिक व्यू और उसकी थंब इम्प्रेशन सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके प्रोडक्ट के सो पेज पे जाएंगे, और इस प्रोडक्ट के मेन पेज पे जाके हम कंट्रोल यू करेंगे, इसके सोर्स पेज पे जाकर स्टॉक को ट्रैक करेंगे। और ये स्टॉक हमने तकरीबन 1 हफ्ता ट्रैक करना है, 1 हफ्ते के बाद 7 डेज ट्रैक करना है, और इसके चेक करके इसके डेली सेल्स इस प्रोडक्ट की कितनी है। तो इस कंट्रोल यू करने के बाद हम कंट्रोल एफ करेंगे, तो ये हमारे पास कोई 8 पेजेस इसके ओपन हो गए हैं। हम यहाँ से नीचे क्लिक करेंगे, 6 पेज हमारा जो है इसका स्टॉक हमें नज़र आएगा। ये देखिए 5 पेज पे या 6 पेज पे होता है, तो 331 इसका स्टॉक है। तो ये हमने नोट कर लेना है एक्सेल शीट में, ताकि हमें दोबारा परेशानी ना हो। और इसको हमने 7 दिन के लिए ट्रैक करना है। जैसे ही हमारे 7 डेज हो जाएं, तो आपने इसकी रेशियो निकालने के डेली के कितने इसके यूनिट सेल हो रहे हैं और मंथली कितने यूनिट है। तो जैसे ही आप इसको 7 दिनों पे डिवाइड 7 दिनों पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यूनिट आ जाएंगे। फिर आप 30 डेज पे जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल यूनिट आ जाएंगे कि एक महीने में आप कितने यूनिट इस पे बेच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, और अगर किसी बात का पता ना चले या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि आपको हर परेशानी से बचा जा सके। तो अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।